पिछले साल मुख्तार अब्बास नकवी का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो गया। कई महीने बीत गए लेकिन पार्टी की ओर से उन्हें कोई नई जिम्मेदारी नहीं दी गई। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ भी कुछ ऐसा ही है। यह बात सिर्फ इन्हीं दो नेताओं की नहीं है जिन्हें सरकार की जिम्मेदारियों से मुक्त करके संगठन में भेजा जा रहा है। जो ज्यादा बोलता है और ज्यादा एक्शन दिखाता है उसी पीएम मोदी पसंद नहीं करते। अमित शाह तो कतई नहीं, और जनता से कट चुके नेताओं को तो दोनों देखना तक नहीं चाहते। बीजेपी में ऐसे दर्जनों नेता हैं जिनकी कभी टूटी बोलती थी, विपक्ष को मटिया मेट कर देते थे, लेकिन वही नेता बिल्ली की भांति मौन है। आस लगाए बैठे हैं कि शायद आका की नजर इन पर इनायत हो जाए, लेकिन सच यही है कि आका इनके नाम तक भूल गए हैं। ऐसे नेताओं की लंबी सूची है, ये कहने के लिए तो बीजेपी में है लेकिन उनकी कोई पूछ नहीं है और ना ही कोई औकात, ना सरकार में है ना ही संगठन में। उम्मीद भी अब नहीं बची है, जुगाड़ तो बहुत करते हैं, साहब की कृपा मिल जाए, लेकिन सब निरर्थक है। एक उम्मीद थी कि हालिया मंत्रिमंडल फेर बदल में कुछ मिल सकती है, लेकिन जो रुख है उससे तो इनकी दाल भी नहीं गलेगी। इसमें से कई नेता संघ के पास भी दौड़ लगा रहे हैं तो कुछ अपनी जाति के बड़े नेताओं के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, लेकिन सब बेकार। सच तो ये है कि संघ के ऊपर मौजूदा बीजेपी भारी पड़ चुकी है, तो जातीय नेता तो खुद डरे हुए हैं कि ना जाने आगामी चुनाव में उनकी स्थिति क्या हो। हालांकि जानकार सूत्रों का कहना है कि सरकार और पार्टी में किनारे लगाए गए नेताओं को शायद ही कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले। उन्हें लगता है कि उन्हें कोई छोटा मोटा काम मिल सकता है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के लिए नए नेता तैयार किए जा रहे हैं। पिछले साल मुख्तार अब्बास नकवी का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा था तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो इस तरह से किनारे होंगे। उनको कहीं से भी राज्यसभा नहीं मिली और वे सरकार से बाहर हो गए। फिर ना संगठन में कोई जगह मिली और ना ही राज्यपाल बनाए गए। भाजपा के सबसे चर्चित मुस्लिम नेता सैयद शहनवाज हुसैन भी बिहार में तालमेल टूटने के बाद सरकार से बाहर हो गए हैं। वो केंद्रीय चुनाव समिति से भी बाहर हैं। बिहार के दो नेता जो एक जमाने में बीजेपी की राजनीतिक और मीडिया दोनों में बहुत खास जगह रखते थे, अब हाशिए पर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी का नाम जरूर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की सूची में शामिल है, लेकिन उनको लंबे समय से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते या पार्टी की तरफ से बयान देते तक नहीं देखा गया। इसी तरह पिछली फेरबदल में हटाए गए मंत्री रविशंकर प्रसाद भी नई जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने हालांकि पिछले दिनों 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन उनको कोई आधिकारिक जिम्मेदारी नहीं मिली। ज्यादा समय नहीं बीता जब डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली में भाजपा की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा थे। पार्टी ने 2013 का चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा था और 32 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। उनको भी पिछली फेरबदल में सरकार से हटा दिया गया था। दिल्ली में इतनी राजनीति हो रही है लेकिन पार्टी सांसद होने के बावजूद उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसी तरह से ही भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी अपने लिए नई भूमिका की तलाश कर रहे हैं जो नहीं मिल रही। कर्नाटक के अनंत हेगड़े, उत्तर प्रदेश के महेश शर्मा, उत्तराखंड के रमेश पोखरियाल निशंक, राजस्थान के राज्यवर्धन सिंह राठौर, झारखंड के जयंत सिन्हा जैसे कई नेता हैं जो राजनीतिक पुनर्वास के इंतजार में हैं। न्यूज वॉच इंडिया के लिए नेहा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में भाजपा किस रणनीति के साथ काम करती है और क्या राजनीति के इन धुरंधरों को राजनीतिक संजीवनी प्रदान करती है, या फिर ये भी लाल कृष्ण आडवाणी की तरह राजनीतिक शैया पर चले जाएंगे।